दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज बनाई। जिस प्रकार से इस सीरीज को ढाला गया है और सभी लेजेंड्स खिलाड़ियों को दोबारा खेलते देखने का मौका हमें मिल रहा है, इसके लिए हम सौभाग्यशाली मानते हैं। क्योंकि दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो 100 शतक लगा चुके हैं वो कहां हमें दोबारा खेलते देखने को मिलते, लेकिन 39-40 साल की उम्र में ये सारे खिलाड़ी अपनी जी जान लगा रहे हैं। इस बात की तारीफ खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने की। दोस्तों अगर आपने इंडिया लेजेंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज लेजेंड्स का सेमीफाइनल मुकाबला मिस कर दिया तो आपने एक शानदार पारी को मिस कर दिया। क्योंकि दोस्तों देखा जाए इस पारी के दौरान जितने भी खिलाड़ी थे सब ने अपना भरपूर जोश दिखाया मैदान के अंदर, फिर चाहे वो युवराज सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग हो या फिर ब्रायन लारा या ड्वेन स्मिथ यानी कि इंडिया लेजेंड और वेस्ट इंडीज लेजेंड, सभी खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। दोस्तों जो बीती रात गई है ना यानी कि 17 मार्च की तारीख, उसमें हमें देखने को मिला कि एक ही यानी 20-20 ओवर के मैच में 424 रन बने। हम देखते हैं कई बार 200 रन पहले स्कोर होता है फर्स्ट इनिंग में, लेकिन जब सेकंड इनिंग की बात आती है तो खिलाड़ी अपने हथियार डाल देते हैं, वो ज्यादा दमखम नहीं दिखाते, उनको लगता है कि मैच हार गए। लेकिन आप वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की खासियत देखिए कि उन्होंने पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गए थे और महज 12 रन से हार हुई। आखिरी के ओवर में अगर ब्रायन लारा या डियो नारायण आउट नहीं होते दोस्तों तो सचमुच वेस्ट इंडीज लेजेंड्स इंडिया से यह मुकाबला छीन लेती। सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा दोस्तों आपको पहले बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि मोर देन द 424 रन स्कोर्ड इन दिस मैच, आई फील इट वॉज द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट विद विच द टीम्स प्लेड टूडे दैट स्टूड आउट, फैंटेस्टिक एफर्ट बाय ऑल द 22 मैन, यानी कि जो 22 खिलाड़ी मैदान पर मौजूद थे उन्होंने सचमुच इतिहास रच दिया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के इस मुकाबले में 218 रन बना के टीम इंडिया ने अब तक का रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा वेस्ट इंडीज लेजेंड के सामने। फर्स्ट इनिंग में आई थी इंडिया लेजेंड्स बल्लेबाजी करने, लेकिन जब सेकंड इनिंग की बारी आई वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बल्लेबाज बल्ला थामे आए तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया के गेंदबाज हावी रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो माइंडसेट ये होता है कि ये सेमीफाइनल मुकाबला है, कैसे 218 रन का लक्ष्य का पेशा किया जाए जहां पर अब तो 219 रन बनाने हैं। उसके बाद सामने मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं और साथ ही साथ मुनाफ पटेल, मनप्रीत गोनी, ये सारे दिग्गज गेंदबाज भी मौजूद थे टीम इंडिया के पास। लेकिन ऐसे में वेस्ट इंडीज लेजेंड्स ने हार नहीं मानी। ड्वेन स्मिथ की दोस्तों आपको पारी बताते हैं। ड्वेन स्मिथ ने जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आज 36 गेंदों पे 63 रन की पारी खेली, अगर वो 63 रन की पारी थोड़ी और टिक जाती, इरफान पठान उनकी विकेट नहीं लेते या विनय कुमार विकेट नहीं चटकाते तो दोस्तों सचमुच ये मैच हार चुकी थी, आंखों देखा बता रहे हैं दोस्तों। लेकिन ब्रायन लारा ने भी कमाल करके दिखाया, जिससे सब कोई सारे गेंदबाज डरते हैं गेंदबाजी करने से, उस खिलाड़ी ने महज 28 गेंदों पर खेलते हुए 46 रन की पारी खेली। लेकिन अगर इंडिया लेजेंड्स की बात की जाए दोस्तों तो वीरेंद्र सहवाग ने 35 रन की पारी खेली थी बहुत कम गेंदों का इस्तेमाल करते हुए, और मोहम्मद कैफ ने भी 27 रन की पारी खेली। इसमें खासियत ये थी कि 2 चौका और 2 छक्के यानी कि 20 रन तो इन्होंने सिर्फ बाउंड्री से हासिल किए थे। लेकिन वहीं हम सचिन तेंदुलकर को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। सचिन तेंदुलकर ने 42 गेंदों पर 65 रन की एक कप्तानी पारी खेली। इंडिया लेजेंड्स के समय मौजूदा कप्तान है, कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने तारीफ करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जितने भी 22 खिलाड़ी खेले थे पिछले मुकाबले में उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। तो वहीं युवराज सिंह के उन छक्कों को नहीं भूल सकते जो पहले वो लगाते थे, लेकिन उनकी याद एक बार फिर से उन्होंने ताजा कर दी। कहते हैं समय के साथ साथ बाजुओं में वो ताकत नहीं रहती, लेकिन कौन कहता है, युवराज सिंह का आप पिछला मैच उठाकर देख लीजिए दोस्तों, समय के साथ साथ इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। हर गेंद पर छक्का मारने की सोच रहा था खिलाड़ी, क्योंकि 20 गेंदें ही खेली थी तब 49 रन इन्होंने बना दिए। अगर मान लीजिए इनको 30 या 40 गेंद खेलने को मिल जाती तो हमें फास्टेस्ट सेंचुरी देखने को मिल सकती थी इनके बल्ले से, क्योंकि 20 गेंदों पर 49 रन मारने के बाद इंसान यानी कि जो बल्लेबाज होता है वो अपने आप को जमा लेता है क्रीज पर, उसके बाद तो वो और लंबे लंबे शॉट मारता है जिसके लिए माहिर है युवराज सिंह। तो इसी के साथ सोशल मीडिया पर सभी फैंस इन क्रिकेटर लेजेंड्स को तारीफ कर रहे हैं, काफी ज्यादा सराहनीय वाला काम मान रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है उसको देखा जाए तो अब तक सिर्फ दूसरे मुकाबले में हाईएस्ट 164 रन बने थे। तो दोस्तों वहां पर सभी युवा खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 24-25 साल के आसपास है, लेकिन यहां पर सभी लेजेंड खिलाड़ी हैं जहां पर सबकी उम्र 39-40 साल है। तो फर्क देखिए, ये सारे खिलाड़ी खेलते हुए सेमीफाइनल मुकाबले की अहमियत समझे और 20 ओवर में ठोक दिए थे 218 रन, और फिर वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के खिलाड़ियों ने भी 20 ओवर में 200+ स्कोर रन बनाया और महज 12 रन से ही हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हार किसी की नहीं हुई, सबकी जीत हुई, कैसे कह सकते हैं दोस्तों, किसी ना किसी की तो जीत होनी तय थी, इंडिया लेजेंड्स की हो गई, लेकिन वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बल्लेबाजों ने भी गजब की बल्लेबाजी की। गेंदबाजों ने थोड़ी बहुत गलती की, थोड़ी बहुत फील्डिंग में मिस्टेक देखने को मिलती है, क्योंकि भागते वक्त होता है शरीर के साथ उम्र का तकाजा देखने को मिलता है, थोड़ी बहुत कैच छूट जाती है, लेकिन ये सब चलता है। तो यही खासियत है दोस्तों इन लेजेंड्स खिलाड़ियों की, सभी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, इरफान पठान, जितने भी खिलाड़ी हैं सबकी तारीफें आज भी होती हैं, सब आज भी जाने जाते हैं।
तो आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस रोड सेफ्टी मुकाबले सीरीज के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो फाइनल मुकाबला इंडिया का होने वाला है वो श्रीलंका और जो साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा, उसमें से जो टीम जीतेगी उसके साथ इंडिया लेजेंड्स टीम का मुकाबला होगा। देखना दिलचस्प होगा कौन टीम फाइनल में इंडिया लेजेंड्स का सामना करती है, क्योंकि दोनों ही टीमों को इंडिया लेजेंड्स ने पहले हरा दिया। नेक्स्ट 94 की रिपोर्ट।